तो मानव अधिकार में जो है, सबसे पहले मानव अधिकार का क्या अर्थ होता है, फिर इसका स्वरूप क्या है, विशेषता क्या है, फिर चूंकि फंडामेंटल राइट आप लोग पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या डिफरेंस है, फिर इसके बाद जो है इसका विश्लेषण, इसका क्या महत्व है, क्या समस्या है, और फिर मानव अधिकार का विकास कैसे हुआ है, और मानव अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं, दो तीन मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों से भी संबंधित आजकल प्रश्न आता है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक का अवधारणा है कि सापेक्षिक का अवधारणा है, ऐसे क्वेश्चन आता है, नहीं तो उसका विश्लेषण लिखना पड़ेगा ना 150 शब्द। इसमें क्यों पढ़ेंगे, इसमें मत पढ़िए, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूएन चार्टर पढ़ा देंगे, चार्टर से तुलना करवा देंगे, वही तुलना, यूएन चार्टर से तुलना, उसमें 30 अनुच्छेद है ना यूएन चार्टर में, तो उसको तुलना करवा दूंगा, कोई बात नहीं, आपके मन में बात आ गया तो करवा देता हूं। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में जितना पढ़ना उतना पढ़िए, कहीं है चहमत है, मैं बताना, मेरे पास 10 लाख रुपए किताब होगी कम से कम, ऐसी कोई किताब नहीं जो मार्केट में जो देखते हो मेरे पास ना हो, चाहे बारकर हो चाहे लास्की हो, सब रख रखा हूं, और लगाव है उसी कारण चल रहा है, पढ़ा रहा हूं, क्योंकि किताबों से वो मोह हो गया ना। अब चलिए बना लीजिए जल्दी से, इसमें मुद्दों में लिखना हो तो लिख लीजिए, दो तीन मुद्दा लिखवा दें जो आता है, मानव अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक, यहीं पर लिख दीजिए मुद्दे, मानव अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक, डेढ़ सौ शब्द में आता है, मानव अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक, नंबर दो, मानव अधिकार के नाम पर हस्तक्षेप उचित है या अनुचित, मानव अधिकार के नाम पर हस्तक्षेप उचित है या अनुचित, उचित है या अनुचित, मानव अधिकार सीमित है या असीमित, तीन प्रश्न हैं, मानव अधिकार सीमित है या असीमित, एक तो बहुत सारे मुद्दे सोशल जस्टिस में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भ्रूण हत्या जो है मानव अधिकार का उल्लंघन माना जाए या न माना जाए, वो सोशल जस्टिस में भी मैं पढ़ाता हूं, लेकिन ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, यूएन चार्टर से तुलना करा दूंगा। देखिए मानव अधिकार का मतलब है ऐसा अधिकार, ऐसी परिस्थिति जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, मतलब मनुष्य होने की शर्त जो है वो मानव अधिकार है। भाई व्यक्ति जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेता है और धीरे धीरे मनुष्य बनता है, हम लोग जन्म लेते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे बिल्ली का बच्चा है वैसे हम लोग भी होते हैं, और धीरे धीरे मान लीजिए बड़े होते चले जाते हैं, मानव बन जाते हैं। इसका मतलब कि मानव अधिकार ऐसी परिस्थिति है जिससे व्यक्ति वास्तव में मानव बनता है, बिना इसके जो है गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं हो सकता है, बिना इन परिस्थितियों के मानव के रूप में जो है हमारी पहचान नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि व्यक्तित्व विकास की ऐसी परिस्थितियां जो मानव के लिए आवश्यक है, बिना इसके मानव की कल्पना नहीं किया जा सकता है, तो इन्हीं पहलुओं का जो उल्लेख है 10 दिसंबर 1948 का जो यूएन का घोषणा पत्र है, जो चार्टर है मानव अधिकार जो घोषणा पत्र है, उसमें इन परिस्थितियों को लिखा गया और उसमें 30 अनुच्छेद बनाए गए जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक सभी अधिकारों का उल्लेख किया गया। उसी पहलू को हम लोग जो है ह्यूमन राइट कहते हैं।
ये ह्यूमन राइट जो है सार्वभौमिक है, ये ह्यूमन राइट जो है विश्व में सभी व्यक्तियों को, चाहे वो सीरिया का व्यक्ति हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, हर जगह सभी व्यक्तियों को यह प्राप्त है। मतलब देश, धर्म, जाति, भाषा, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और मैं बताया कि ये मूलभूत है, मौलिक है, मानव होने की शर्त है। तो जिस तरह से हम लोग से शरीर से चमड़ा जुड़ा हुआ है, उसी तरह से हमारा अधिकार भी जुड़ा हुआ है। इसके अभाव में, जैसे मैंने बताया कि मानव होना संभव ही नहीं है। यह व्यक्ति के जो है नैतिक अधिकार के रूप में है, क्योंकि बिना इसके हमारा विकास हो ही नहीं सकता है। ऐसी परिस्थितियों को मानव अधिकार कहा जाता है, ह्यूमन राइट कहा जाता है। या तो जीएस के थर्ड पेपर में पढ़ते हैं, जीएस के थर्ड पेपर में है आप लोग, हम लोग बहुत सारा जो आप लोगों का इंटरनल सिक्योरिटी है, बहुत सारा तो आईआर में मैं पढ़ाई देता हूँ। भारत चीन सीमा विवाद, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वो आप लोगों के जीएस में तो आता ही है। जितना भी हो जाएगा मैं पढ़ा दूंगा उसको। थर्ड पेपर में जितना भी आता है, फर्स्ट पेपर में जितना आता है, जो भारत जो इंडियन सोसाइटी करके टॉपिक आप लोगों का है, वही जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, वही सब तो क्वेश्चन आता है। तो जितना होगा सब पढ़ा दूंगा। अर्थ लिखिए, मानव अधिकार से तात्पर्य, मानव अधिकार से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है, उन परिस्थितियों से है उन परिस्थितियों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। यह मानव होने की शर्त स्वरूप है, यह मानव होने की शर्त स्वरूप है। इसके बिना गरिमापूर्ण, इसके बिना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं है, इसके बिना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं है। अर्थात ऐसी परिस्थिति आबलिक अधिकार, अर्थात ऐसी परिस्थिति आबलिक अधिकार जिसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है, जिसके बिना व्यक्ति के, जिसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। भ्रूण हत्या वाला लिख लीजिए, करा लूंगा। अमेरिका में चल रहा है ना आजकल, वो महिलाओं का जो है वो इसी से संबंधित है। उसको ऐसे प्रश्न आता है, मानव अधिकार के दृश्य से मानव किसे माना जाना चाहिए। प्रश्न लिखिए, वही लिख दीजिए जो तीन लिखे थे ना, चार लिख दीजिए, चारों करा दूंगा। उसमें क्या है, मानव अधिकार के दृश्य से मानव किसे माना जाए, मानव किसे माना जाए। और एक चीज और भी पढ़ लीजिए, मानव अधिकार संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, मानव अधिकार संरक्षण के लिए किए गए प्रयास
पॉइंट लिखवा दूंगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो प्रणाम बढ़ा लीजिएगा, उसमें क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि आज का नैतिक दावा जो है कल का मानव अधिकार बन जाता है, और जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में मानव अधिकार संरक्षण के लिए जो है क्या प्रयास किया गया है। तो कुछ मान लीजिए राष्ट्रीय प्रयास, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ऐसे पॉइंट लिखवा दूंगा। ठीक है, अब इसका विशेषता अवलिक स्वरूप, पहला चीज देखिए, मानव अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकारों का ही जो है लौकिक स्वरूप है। जो प्राकृतिक अधिकार हमने पढ़ाया था आपको कि प्राकृतिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो लेकर आया है, तो मानव अधिकार जो है वह प्राकृतिक अधिकार का ही लौकिक स्वरूप है। जिस तरह से प्राकृतिक अधिकार महत्वपूर्ण है, मूलभूत है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से मानव अधिकार भी जुड़ा हुआ है। बस ये है कि प्राकृतिक अधिकार जो है अलौकिक था और मानव अधिकार लौकिक है। नंबर एक, मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का लौकिक स्वरूप है। मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार का लौकिक स्वरूप है। लौकिक स्वरूप है अर्थात मानव अधिकार का स्रोत प्रकृति या ईश्वर नहीं है। मानव अधिकार का स्रोत प्रकृति या ईश्वर नहीं है, बल्कि औचित्यता के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। औचित्यता के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। दूसरा बात समझिए, जिसमें बताया कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, प्रजाति, इन सब आधारों पर भेदभाव किए बिना जो है विश्व में सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। नंबर दो, यह सार्वभौमिक है, यह सार्वभौमिक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, देश आदि का भेदभाव किए बिना उपलब्ध होना चाहिए। मैं बताया कि यह मूलभूत है। मूलभूत का मतलब आवश्यक है, मौलिक है। नंबर तीन, यह मूलभूत है, अतः व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। यह मूलभूत है, अतः व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात इसके अभाव में व्यक्ति का मानव होना संभव नहीं है। इसी को देखिए, यह व्यक्ति का एक प्रकार से नैतिक अधिकार है। नैतिकता के आधार पर इसको स्वीकार किया जाता है। और कुछ जो उग्र विचारक हैं वो लोग ये भी मानते हैं कि यह मानव होने की शर्त है। जब मानव होने की शर्त है तो ऐसी दशा में जो है राज्य समाज से ऊपर भी है, राज्य समाज को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य समाज को इसमें कटौती भी नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य समाज को इसे उपलब्ध कराना चाहिए। एक पॉइंट और लिख दीजिए, यह व्यक्ति के
सर्वोच्च नैतिक अधिकार माने जाते हैं, यह व्यक्ति के सर्वोच्च नैतिक अधिकार माने जाते हैं। सर्वोच्च नैतिक अधिकार माने जाते हैं। उग्र समर्थकों के अनुसार, उग्र समर्थकों के अनुसार मानव होने की शर्त होने के कारण, मानव होने की शर्त होने के कारण यह, मानव होने की शर्त होने के कारण यह, मतलब मानव अधिकार, यह राज्य आदिक समाज से ऊपर है। इसे खत्म आवलिक कम नहीं किया जा सकता। इसे खत्म आवलिक कम नहीं किया जा सकता। जैसा अंतर दो चार, भाई मानव अधिकार मूल अधिकार से किस प्रकार अलग है, कुछ सुना सकता है? तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का मतलब जो संविधान में अधिकार लिखा गया है, जिसे हमारे यहाँ मान लीजिए अनुच्छेद 13 से लेकर जो है वह 35 तक जो है लिखा गया है, तो 13 से लेकर 35 तक जो लिखा गया संविधान द्वारा जो दिया गया है उसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। नंबर एक, यह किसी भी देश में संविधान के द्वारा लिखित होता है, यह किसी भी देश में संविधान के द्वारा लिखित होता है, यह किसी भी देश में संविधान के द्वारा लिखित होता है। और उधर लिख दीजिए, यह नैतिक अधिकार के रूप में है, यह नैतिक अधिकार के रूप में है। और मानव होने की शर्त स्वरूप स्वीकार किया जाता है, मानव होने की शर्त स्वरूप स्वीकार किया जाता है। मानव होने की शर्त स्वरूप स्वीकार किया जाता है। दूसरा पद देखिए, जैसे मूल अधिकार है तो मूल अधिकार यथार्थवादी है, क्योंकि इसके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। हमें कहते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब कि न्यायालय उपचार प्रदान करता है। और आप देख रहे हैं कि बाकायदे मूल अधिकार का जो है गार्जियन भी है। गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट गार्जियन, हाई कोर्ट पर टिक लगा दीजिएगा भाई। ये सोचिए 32 स्वयं मूल अधिकार है, मतलब यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में जो है वह हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, राइट टू रेमडी जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये स्वयं मूल अधिकार है। और हम न्यायालय में जाकर यदि प्रूफ कर देते हैं कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय उपचार प्रदान करने से मना नहीं कर सकता, अवश्य उपचार प्रदान करेगा। इसलिए जो अनुच्छेद 32 जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है देखा जाए तो गार्जियन है, हाई कोर्ट गार्जियन नहीं है। हाई कोर्ट 226 के तहत है तो मना भी कर सकता है, संवैधानिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों मत टिक लगा दीजिएगा, है बहुत माइनूट डिफरेंस है उसका। नंबर दो, यह यथार्थवादी है मूल अधिकार में, यह यथार्थवादी है क्योंकि इसके उल्लंघन होने पर,
क्योंकि इसके उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट अब्लिक हाई कोर्ट उपचार प्रदान करता है। इसके उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट अब्लिक हाई कोर्ट उपचार प्रदान करता है। उधर लिखिए, यह आदर्शवादी है, यह आदर्शवादी है क्योंकि इसके उपचार करने, क्योंकि इसके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा बात समझिए, मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार सीमित इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो दे सकते हैं उसी का उल्लेख है। नंबर तीन, मूल अधिकार में यह सीमित अवधारणा के रूप में है, यह सीमित अवधारणा के रूप में है, यह सीमित अवधारणा के रूप में है, अर्थात जो दिया जा सकता है उसी पहलू का उल्लेख है, जो दिया जा सकता है उसी पहलू का उल्लेख है। जो दिया जा सकता है उसी पहलू का उल्लेख है। उधर ले लीजिए, व्यापक अवधारणा के रूप में है, व्यापक अवधारणा के रूप में है, इसमें उन सभी बातों का उल्लेख है जो मानव के लिए आवश्यक है, इसमें उन सभी बातों का उल्लेख है जो मानव के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार देखिए, अब देखते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार एक प्रकार से कह सकते हैं कि तथ्यात्मक भी है, क्योंकि तथ्य स्वरूप में उसको वर्णन किया गया है, उसके बियान जाकर जो है ज्यादा विचार हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट में भले ही उसको लिखा गया 130 अनुच्छेद में, यूएन चार्टर में, लेकिन उसके अलावे भी अन्य अधिकार हैं, जैसे आदिवासी लोगों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी स्वीकार किया गया। लिख दीजिए, यह सामान्यतः तथ्यात्मक स्वरूप में है, यह सामान्यतः तथ्यात्मक स्वरूप में है। यह सामान्यतः तथ्यात्मक स्वरूप में है। और इसकी व्याख्या करते समय लिखे गए पहलुओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसकी व्याख्या करते समय लिखे गए पहलुओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उधर ले लीजिए, यह मूल्यात्मक अवधारणा भी है, यह मूल्यात्मक अवधारणा भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी परिस्थितिजन्य व्याख्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी परिस्थितिजन्य व्याख्या करता है। ठीक है, अब मानव अधिकार का क्या महत्व है,
अब जैसे मान लीजिए आता है कि मूल मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार से किस प्रकार अलग है, तो प्राकृतिक अधिकार से तुलना कर देंगे। मानव अधिकार किस प्रकार कानूनी अधिकार से अलग है, तो कानूनी अधिकार से तुलना कर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आता है तुलनात्मक में 150 शब्द। प्राकृतिक अधिकार आपने पढ़ लिया, अब मानव अधिकार पढ़ लिया, दोनों की तुलना करेगा, तुलना कर देंगे, मैं ही करा दूंगा। पहला बस समझिए, आप लोग तो बस लिखने के लिए राजी हो जाइए, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। पहला चीज समझिए, जैसे मान लीजिए मानव अधिकार की जो धारणा है, एक मानव के रूप में मानव होने मानव के अधिकार को मान्यता देती है कि भाई आप मानव हैं, अफ्रीका के हैं कि सऊदी अरब के हैं, उससे लेना देना नहीं। तो जब मानव होने के नाते हम आपको मान्यता दे रहे हैं, रंग नस्ल जाति धर्म भाषा क्षेत्र इसके आधार पर हम कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं, चाहे जिस भी आप जाति धर्म भाषा के हों, सबको समान माना जा रहा है, यही तो वास्तव में विश्व बंधुत्व है। इसका मतलब यदि हम मानव अधिकार को बढ़ावा देना शुरू कर दें तो शांतिपूर्ण अस्तित्व और विश्व बंधुत्व की जो अवधारणा है वो साकार हो सकती है। नंबर एक, मानव अधिकार की धारणा एक मानव के रूप में मानव के अधिकार को मान्यता देती है, एक मानव के रूप में मानव अधिकार को मान्यता देती है, न कि रंग नस्ल जाति आदि आधारों पर। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की समानता में विश्वास करता है, जो विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दे सकता है, दूसरा बात समझिए, मानव अधिकार एक आदर्शवादी प्रलेख है, भाई इसमें सब आदर्श बातों को लिखा गया है, जितना सोच सकते हैं सब लिखा गया है, तो संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श हो गया, और इसी आदर्श को देखकर सभी देश जो है इसी के नैतिक दबाव में, चूंकि सब लोगों ने हस्ताक्षर किया है, नैतिक दबाव में जो है संविधान में चाहे कानून के माध्यम से जो है इसे उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी देशों के लिए प्रेरणा स्रोत है, किसी को कुछ न समझ में आए तो ह्यूमन राइट पढ़कर समझ सकता है कि हमको अपने देश में क्या करना चाहिए। इसीलिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, घरेलू हिंसा प्रतिषेध कानून बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के संरक्षण की भी बात की गई है। तो इसको देखकर हम लोग अपने कानून में अपने संविधान में परिवर्तन करके ज्यादा से ज्यादा अधिकारों को लागू करते हैं। नंबर दो, अब मानव अधिकार ऐसे भी आएगा, चुपचाप एक लाइन से शुरू करिएगा, सब लिख के चले आइएगा, मैं बताया तो ऐसे अलग से ह्यूमन राइट आपको जीएस के फर्स्ट पेपर में इतना कौन पढ़ा देगा, जब पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ पाएंगे तो वहां कोई पढ़ा पाएगा, वहां तो वैसे भी तेजी रहती है, वहां तो तूफानी कोर्स चलता है, 15 दिन में ये खत्म, 10 दिन में वो खत्म, एकदम स्पीड से खत्म होता है। हम लोग को उससे जल्दी है, ज्यादा सैटरडे संडे पढ़ा दूंगा, उसमें कौन सी बात,
चुपचाप आएगा, एक लाइन से शुरू करिएगा, सब लिख के चले आइएगा, बस हो गया। जो जो भी पूछे मानव अधिकार पर लिखना यही है। और बताएं इंग्लिश क्वालिफाइंग वाला जो आता है, तो जो लोग मान लीजिए आईएएस अपना उस पर 10-12 ऐसे तैयार कर लीजिए, कितने लोग का अंग्रेजी कमजोर होगा, तो अंग्रेजी ध्यान रखिए कि वहाँ पर अंग्रेजी लिखना अंग्रेजी बोलना अलग बात और इंग्लिश वहाँ का क्वालिफाई करना अलग बात। अंग्रेजी में मान लीजिए क्या है, अब इसको मान लीजिए हम लोग अंग्रेजी में पढ़े उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ ग्रामर का नहीं ध्यान दिया जाता है ना। अब वहाँ पर क्या होता है कि ग्रामर देखते हैं सब, तो ऐसे 15 ऐसे का लिस्ट बना लीजिए, ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी इन्वायरमेंट ये वो सब अपना लिस्ट बना लीजिए और सबको 2-2 पेज लिख लीजिए और किसी अच्छे अंग्रेजी वाले से जिसका ग्रामर ठीक हो उसको चेक करा लीजिए कि भाई सब जरा चेक कर लीजिए, और चेक करके उसको रख लीजिए, 10-5 बार उसको लिख लीजिए, वही सब्जेक्ट सेट करके लिख के चले आइए, हो गया। 100 नंबर कैसे आता है इंग्लिश पास कर, कितने इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से फेल हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं बात को, तो अपना फ्लो में लिख रहे हैं। अब इसको हम लोग फ्लो में लिखेंगे तो दूसरी बात है, ग्रामेटिकली हो सकता है गलत हो जाए। लिख दिए नंबर 2, तो लिखिए मानव अधिकार एक आदर्शवादी प्रलेख है, मानव अधिकार एक आदर्शवादी प्रलेख है जो संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देता है, जो संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देता है, परिणामतः सभी देश नैतिक दबाव में, परिणामतः सभी देश नैतिक दबाव में अनेक अधिकारों को, अनेक अधिकारों को मूल अधिकार तथा कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे शिक्षा के अधिकार को संविधान में 21A में रखा गया, 86वां संशोधन ना, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वो भी मजबूत कर डालिए, पोल्टी तो हो ही जाएगा क्योंकि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना। बिना हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस के दिक्कत हो जाएगा पीटी, उसको भी एकदम बढ़िया से तैयार कर डाली। ज़्यादा हम लोग मास्टर के चक्कर मत पड़िए, अपने से पढ़ो डालिए सब, क्योंकि मुखर्जी नगर है। तीसरा बात समझिए, जिसमें बताया कि ये जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसमें बताया बार बार कि आदर्शवादी प्रलेख है, तो आदर्शवादी प्रलेख है। और इसमें जो है जैसे उदारवाद की जो अच्छाई है, समाजवाद की जो अच्छाई है, उदारवादी जो अधिकार है, समाजवादी जो अधिकार है, सब अधिकारों को लिखा गया है। इसके कारण जो है यह एक प्रकार से वैचारिक संघर्ष को कम करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मार्क्सवादी है, ये नहीं कह सकता कि उदारवादी है। सब तरीके का अधिकार, जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकार समाजवाद में महत्वपूर्ण है तो भी उसका भी उल्लेख है, राजनीतिक अधिकारों का भी उल्लेख है। नंबर 3, मानव अधिकार में हमारा यहाँ पेंसिल और पेन था कुछ पता ही नहीं, अच्छा यहाँ पर है, रंग मिल गया। मानव अधिकार में उदारवाद तथा समाजवाद दोनों विचारधाराओं का समन्वय है, दोनों विचारधाराओं का समन्वय है, अतः
वैचारिक संघर्ष को कम करता है, वैचारिक संघर्ष को कम करता है। और देखिए वैचारिक संघर्ष को कम करता है। अब देखते हैं कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका मूल अधिकारों की व्याख्या करती है। जब न्यायपालिका मूल अधिकारों की व्याख्या करती है तो इसी मानव अधिकार के बिहाफ पर मूल अधिकारों की व्याख्या की जाती है। जैसे इंटरनेट का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ये भी जीवन का अधिकार है। सोने का अधिकार, 8 घंटा 7 घंटा सोने का अधिकार, ये भी जो है हमारा मूल अधिकार है। निजता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जितना व्याख्या किया वह वास्तव में मानव अधिकार के कारण, कि भाई मानव होने के नाते क्या है कि व्यक्ति 10-12 घंटा मेहनत कर रहा है, उसको 6-7 घंटा सोने दीजिए चैन से, सोने का अधिकार है उसका। भाई इंटरनेट का अधिकार है क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है बिल जमा करने का, इधर जाने का उधर जाने का, तो बिना इंटरनेट के व्यक्ति क्या कर लेगा। तो इंटरनेट का अधिकार जो है मूल अधिकार है। नंबर 4, किसी भी देश में मूल अधिकार की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। और न्यायपालिका निर्वचन में, इंटरप्रिटेशन में, निर्वचन न्यायपालिका निर्वचन में मानव अधिकार का सहारा लेती है। निर्वचन में मानव अधिकार का सहारा लेती है। जिससे FR न्याय संगत एवं परिस्थितिजन्य बनता है। न्याय संगत एवं परिस्थितिजन्य बनता है। इसी को देखिए। अभी बताया कि मानव अधिकार के द्वारा जो है विश्व के प्रत्येक भाग में रहने वाले व्यक्तियों को जो है मान्यता दिया जाता है कि वो मानव हैं। इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी एक वैश्विक समस्या है। जब वैश्विक समस्या है तो ऐसे समय राष्ट्र राज्य से ऊपर उठकर जो है सभी देश इसकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण करता है, लोगों की हत्या होता है, तो पूरा विश्व बिरादरी देखिए विरोध करता है कि नहीं भाई युद्ध बंद होना चाहिए, ये अत्याचार है। भले ही दो देशों का मैटर है लेकिन कहीं ना कहीं विश्व एक नैतिक दबाव बनाता है। तो मानव अधिकार यदि नहीं रहता तो विश्व नैतिक दबाव भी नहीं बना पाता। और इस तरह से देखा जाए तो उस नैतिक दबाव के कारण देश पर एक प्रतिबंध लग जाता है और देश कहीं ना कहीं जो है वह देखा जाए तो मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। 3-4 हो गया, 4 हो गया। अच्छा देखो लिख दीजिए। मानव अधिकार के कारण ही देशों के ऊपर नैतिक दबाव रहता है, देशों के ऊपर नैतिक दबाव रहता है और देश ब्रैकेट में घरेलू सरकार मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। और मानव अधिकार की रक्षा वैश्विक समस्या बन जाता है।
वैश्विक समस्या बन जाता है। जैसे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना, ठीक है, समस्या पहली समस्या समझिए। मानव अधिकार को जो है पश्चिमी देश साधन बना देते हैं, विकासशील देशों पर नव उपनिवेशवादी शोषण करते हैं कि आपने मानव अधिकार का उल्लंघन किया इसलिए हम आपका सामान नहीं लेंगे, आपने मानव अधिकार का उल्लंघन किया, अपने श्रम मानक का उल्लंघन किया इसलिए जो है एंटी डंपिंग शुल्क हम लगा देंगे। तो ये मानव अधिकार एक साधन बन गया है नव उपनिवेशवादी शोषण करने का, और इस तरह से जो है मानव अधिकार के नाम पर पश्चिमी देश अपना प्रभुत्व बढ़ाते हैं, पश्चिमी देश गरीब देशों पर दबाव डालते रहते हैं, उनका आर्थिक सामाजिक शोषण भी करते रहते हैं। नंबर एक, मानव अधिकार को साधन बनाकर पश्चिमी देश विकासशील देशों का नव उपनिवेशवादी शोषण कर रहे हैं। पश्चिमी देश विकासशील देशों का नव उपनिवेशवादी शोषण कर रहे हैं। उन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाते हैं। जैसे मानव अधिकार श्रम मानक के नाम पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना, दूसरी समस्या। एमपीपीसीएस का एग्जाम है ना, हो गया, कब था? हाँ, हरियाणा पीसीएस का भी तो है। हाँ, किसका एमपीपीसीएस का है कि किसका है एग्जाम है, कोई हाँ, अच्छा हरियाणा का है। दूसरा बात देखिए, मानव अधिकार की सुरक्षा, हरियाणा का कब एग्जाम है? 24 को है। फार्म भरे हैं? दे दीजिएगा, उसमें क्या, जो लोग फार्म भरे हैं जाके दे दीजिएगा, उसमें कौन सा पीटी बहुत कठिन आता है, हरियाणा तो बगल ही में है, नौकरी करने में भी सुविधा रहेगा। हरियाणा में अब ज़्यादा पहले वाला जमाना नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें क्या, कहीं नौकरी तो करना है, कहीं नौकरी तो बनना है। आप भरे कि नहीं फार्म? हाँ, कोई बात नहीं, जो कमिटी, मैं आप लोग पहले दिन ही बोल चुका हूं, 100 सीट है तो 10 सीट मान के चलिए वो आपका नहीं है, 90 सीट में एक ही सीट तो आपको चाहिए, कितना सीट चाहिए, एक सीट, बस एक सीट लेने का प्रयास करिए। अब वो सब छोड़िए, वो सब हर जमाने में रहेगा, हर जमाने में वो सब रहेगा, बड़े अधिकारी है ही हैं, मंत्री है ही हैं, और जब तक ये सब है तब तक समस्या है, जब तक ये हैं तब तक समस्या है। आप भी अधिकारी बनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, मामला दूसरा थोड़ा सा हो जाता है, मामला दूसरा हो जाता है। और कितने लोग
सोचिए कि यूपी का अब तो सेंट्रलाइज कॉपी चेक होता है, पहले होटल में कॉपी चेक होता था, पहले होटल में कॉपी चेक, अब सेंट्रलाइज कॉपी चेक होने लगा। बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने वाला जो बच्चा होगा भाई, पढ़ने वाला जो बच्चा होगा, आपसे बताएं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बताऊं, आप लिस्ट यूपी का देखेंगे तो उसमें ऊपर से 20 बच्चों में 4-5-6 तो हरियाणा के होंगे और 3-4 राजस्थान के होंगे, 2-4 एमपी के होंगे, 1-2 यूपी के होंगे। यूपी में पढ़ने लिखने का काम कम हो गया है, यूपी में मैं देख तो रहा हूँ, यूपी में पढ़ने लिखने का काम कम हो गया, बाकी काम सब ज्यादा हो चुका है। अब पहले क्या होता था, एकदम बच्चा चुपचाप पढ़ रहा है, अब हरियाणा वाले लोग, राजस्थान वाले लोग मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा ये लोग जो है सक्रिय हुए हैं। तो जो सक्रिय होगा भाई, रिजल्ट तो उसी का होना भी चाहिए, निष्पक्ष। मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए, नंबर 2 लिखिए, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन अधिकांश संस्थाएं पश्चिमी देशों के गिरफ्त में हैं। अधिकांश संस्थाएं पश्चिमी देशों के गिरफ्त में हैं, जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता। जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता, इसी का देखिए, जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका हुआ, तो अमेरिका जैसे देश जो है मानव अधिकार के नाम पर प्रबंध संकट के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। प्रबंध संकट का मतलब विश्व में प्रबंधन की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है, कहीं पर भी कुछ समस्या आएगा तो अमेरिका का फर्ज बनता है कि वह जाकर हस्तक्षेप करे, सीरिया में, अफगानिस्तान में, इराक में, हर जगह इन लोगों का जो है दादागिरी चलता है, तो लोग मानव अधिकार के नाम पर कहीं पर भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। लिख दीजिए, अमेरिका जैसा देश प्रबंध संकट के नाम पर विश्व में हस्तक्षेप करता है, विश्व में हस्तक्षेप करता है और स्वयं मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, और स्वयं मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसे इराक पर आक्रमण, इराक, हाँ ठीक है, जैसे इराक पर आक्रमण, जैसे इराक पर आक्रमण, इसी का देखते हैं कि मानव अधिकार में सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया है। तो जितना लिखा गया है उतना संसाधन तो हमारे पास है नहीं, तो संसाधनों के अभाव में जो है यह विश्व में लागू नहीं हो पाता है, केवल विकसित देशों में ही जो है इन सब अधिकारों का प्रयोग हो पाता है, विकासशील देशों के लिए तो यह कपोल कल्पना ही है। नंबर 4, मानव अधिकार में सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया है, सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण यह व्यवहार में लागू नहीं हो पा रहा है।
जैसे अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट की समस्या चल रही है, जैसे अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट की समस्या चल रही है, वो सीरिया पर जो फिल्म आई थी, अभी कोई फिल्म आई एक डेढ़ महीने पहले फिल्म, वो बच्चा लोग देख रहा था, मैं भी बैठ गया देखने के लिए। कोई सीरिया पर फिल्म आई है ना, वो अमेरिका ने बनाया है, बड़ा बढ़िया फिल्म, अब नाम नहीं ध्यान आ रहा है, नाम क्या पढ़ू, वो लोग देख रहे थे संडे को, तो मैं भी बैठ गया, बैठ के कुछ देर देखा तो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं पूछा कि कौन सी फिल्म है, बोले वो सीरिया में जो हुआ था ISIS का, उस पर फिल्म बना है उसका, दो तीन फिल्म उसका है। ठीक है, दो तीन हो गया समस्या, बस ठीक है, एक और लिख डालिएगा मन करेगा तो। मानवाधिकार का विकास, तो मानव अधिकार के विकास पर भी आता है कि मानव अधिकार का विकास तीन चरणों में हुआ है, क्वेश्चन आता आया भी होगा, तो ये जो है ये तीन चरणों में इसका विकास हुआ है, तो तीन चरणों में इसका विकास हुआ है तो हम लोगों को सबसे पहले एक इसका भूमिका लिख लेना है। अब भूमिका लिखने के बाद जो है वो तीन चरणों का उल्लेख करना है, तीन चरणों का उल्लेख करना है, और फिर इसका एक मूल्यांकन लिख देना है, ये भी 150 सबका आता है। आया ना, पढ़िए, वही तीन पीढ़ी तीन चरण, तीन चरण या तीन पीढ़ियां, प्रश्न तो जरूर देखना चाहिए, प्रश्न जरूर देखना चाहिए, कोई भी चीज पढ़िए, जीआरपी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, क्वेश्चन जरूर देखा करिए कैसा क्वेश्चन आता है, सिर्फ पढ़ा मत करिए। अब जैसे मान लीजिए तीन चरण हमने पढ़ा दिया, अब तीन पीढ़ी, तो आपको पता चल गया पीढ़ी और चरण एक ही बात, तब कभी दोबारा आएगा तो सही लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि जो मानव अधिकार है उन्नाव सामाजिक आंदोलन के रूप में है, यह एक समकालीन विचारधारा है, लेकिन फिर भी इसका विकास जो है प्राचीन काल से ही दिखाई देता है। अब जानते हैं कि प्राचीन काल से लेकर उदारवाद समाजवाद के क्रम में जुड़ा रहा, शुरू में जो है जो आप जानते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इस तरह की बात की गई, खासतौर से राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया गया, उदारवादी परंपरा। फिर बाद में जो है समाजवाद के तहत जो है मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया गया। अब फिर आप देखते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में इसमें अनेक विषय वस्तु जुड़ गए, भाई जैसे शांति है, शांति का अधिकार, सबको शांति चाहिए, तो शांति का जो अधिकार है वो भी यही है, पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ये सब जो अधिकार है सब मानव अधिकार के रूप में है। तब देखते हैं कि मानव अधिकार की जो संकल्पना है वो धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है, और ये माना गया कि जो तीन चरण हुआ है, प्रारंभ में जो है उदारवादी चरण आया, फिर समाजवादी चरण आया, फिर जो है समकालीन जो परिस्थितियां आई हैं, इस तरह से तीन पीढ़ियों में इसका विकास हुआ है। पहले भूमिका लिखिए, लेकिन आप लोग क्या करिएगा कि मानव अधिकार को दो लाइन में अर्थ समझा के फिर उसको जोड़िएगा। अब मैं अर्थ नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन आप लोग एग्जाम में दो लाइन अर्थ लिखकर फिर उसको सेट कर दीजिएगा। मानव अधिकार समकालीन विचार है, मानव अधिकार समकालीन विचार है, लेकिन इसका विकास तीन चरणों में देखा जा सकता है, तीन चरणों अगली पीढ़ियों,
तीन चरणों वाली पीढ़ियों में देखा जा सकता है। पहले चरण में उदारवादी अधिकारों पर बल दिया गया, और व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई, उदारवादी अधिकारों पर बल दिया गया और व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई। दूसरे चरण में समाजवाद के तहत मूलभूत आवश्यकता पर बल दिया गया, और समाज के परिप्रेक्ष्य में अधिकारों की बात की गई, और तीसरी पीढ़ी में व्यक्ति समाज को जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में अधिकारों की बात की गई। इस तरह मानव अधिकार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। ठीक है, अभी चार लाइन का भूमिका हो जाएगा और फिर उसके बाद इसमें तीन चरण हैं तो तीन चरण का उल्लेख एक एक पैराग्राफ होगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, अब एक एक पैराग्राफ सब में लिखना है। एक हमारे इलाहाबादी मित्र हैं ओझा जी, जायफी वाले जिनकी किताब चलती है, ओझा सर हाँ एक्सपायर हो गए, तो बड़े अच्छे मित्रों में एक हिस्ट्री के थे, तो ओझा जी जो है उनको मैं ओझा जी ही बोलता था। तो ओझा जी की एक आदत थे, इलाहाबाद में पढ़ाते थे, तो मैं कभी कभी शाम उनको मन करता था तो उनके घर चला जाता था, पारिवारिक संबंध था तो चला जाता था। तो वो ज्योग्राफी कितने दिन पढ़ाते थे, साढ़े तीन महीने एक एक लाइन, पीटी की कापी अलग और मेंस की कापी अलग, बोल बोल के एक एक लाइन लिखवाते थे। तो मैंने उनसे सीखा ये बात, पहले मैं बोलता था एक एक लाइन बोल बोल के क्यों लिखवाते, बोले एक एक लाइन बोल के नहीं लिखवाएंगे तो बच्चे मूर्ख हैं, लिखवा दूंगा कॉपी में तो सब रट लेंगे और उसी में से क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी तो थे, तो देखा जाए तो मैं पहले तो हैरान था कि भाई बैठ कर ढाई ढाई घंटा बोल बोल के लिखवाते थे। और सही बात है, उनसे जो ज्योग्राफी पढ़ लेता था ज्योग्राफी क्वेश्चन गलत कम होता था। तो बच्चे हमको आके बताए कि ज्योग्राफी वाले जो सर हैं एक एक लाइन लिखवाते हैं, उनकी कॉपी में से क्वेश्चन आता है, हम लोग का गलत नहीं होता है। फिर हमारे ऊपर बड़ा नैतिक दबाव पड़ा, हम कह नहीं बात तो सही है, हम कह चलो एक कदम और सही, बोल बोल के तो लिखवा भी दूंगा टेस्ट भी ले लूंगा अब। तो मैंने एक फार्मूला और उसमें टेस्ट वाला भी लागू कर दिया,
भाई अच्छाई तो किसी से सीख सकते हैं। तो वही लिखवाता हूँ तो याद आता हूँ उन्हीं का, देखिए उन लोगों का नैतिक दबाव था। और पॉलिटिकल साइंस में नैतिक दबाव जो है, एक बार ऐसे 2006-08 की बात है, तो 2008 में मैं पढ़ाता था तो उस बार 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 8 से 9 लोगों का क्लासरूम से, और अच्छा रैंक। तो ये लोग जो है एक साल पहले दबाव बनाना शुरू कर दिए हमको, बोले सर आप जितना पढ़ाते हैं एक एक लाइन बोल बोल के लिखवा दीजिए, क्योंकि आप समझा के छोड़ देते हैं, समस्या में ये लिख लेना, महत्व में ये लिख देना, हम लोग कुछ याद तो घर पे रहता नहीं है। अब मैं 3.5 महीने में कोर्स ख़त्म कर देता था पॉलिटिकल साइंस का, तो लोग बोले कि आप ऐसा करिए 6 महीने कर लीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन बोल बोल के लिखवा दीजिए आप, उससे नोट्स बन जाएगा, हम लोग घर पे जाते हैं इधर उधर खोजते हैं, मिलता होता तो है नहीं। तो हमने चलो ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स उस दिन से हो गया 6 महीने कि 6 से 6.5 महीने चलेगा, एक एक लाइन बोल बोल के लिखवाया जाएगा। अरे इसी बहाने नोट्स बन गया ना, और कोई प्रश्न आएगा मानव अधिकार से क्या समझते हैं, महत्व कालो सार्थक परीक्षण करें, तुरंत लिखा जाएगा, घर पे कितना खोजेंगे। अब देखिए जो प्रथम चरण है उसको समझाता हूँ, हेडिंग बना लीजिए प्रथम चरण। अब समझिए प्रथम चरण में मानव अधिकार का जो विकास है वो मैं बताया कि उदारवाद के तहत हुआ, इसमें राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अधिकारों की बात की गई, जैसे मत देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संस्था बनाने का अधिकार, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया। और साथ ही जो है वह महिला मताधिकार पर भी बल दिया गया, जैसे आपको ध्यान होगा कि ब्रिटेन में 1928 में महिला मताधिकार लागू हुआ, और सबसे पहले महिला मताधिकार कहाँ पर, सबसे पहले विश्व में महिला मताधिकार कहाँ, न्यूजीलैंड, सही तो है 1878 न्यूजीलैंड, ठीक लगाइएगा, सर्वप्रथम महिला मताधिकार न्यूजीलैंड, और सर्वप्रथम जो है बैलेट पेपर, अरे मतपत्र का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, किस देश में सर्वप्रथम मतपत्र का प्रयोग किस देश में हुआ, चीन में। तब देखते हैं कि इन सब अधिकारों की बात की गई, जब इन सब अधिकारों की बात की गई तो धीरे धीरे महिला मताधिकार लागू हुआ, और कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो निर्वाचन का अधिकार, तमाम चीजों का अधिकार मिला। तो इसको हम लोग प्रथम पीढ़ी का अधिकार कहते हैं, लिख दीजिए। इस चरण में मानव अधिकार का विकास, इस चरण में मानव अधिकार का विकास उदारवादी विचारधारा के तहत हुआ, उदारवादी विचारधारा के तहत हुआ। इसमें राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया गया, इसमें राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया गया, राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया गया। और व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अधिकारों की बात की गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अधिकारों की बात की गई। जैसे मत देने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार, संस्था बनाने का अधिकार आदि पहलू देशों में लागू किए गए। और साथ ही महिला मताधिकार पर भी बल दिया गया, महिला मताधिकार पर भी बल दिया गया।
जैसे 1919 में अमेरिका में, 1928 में ब्रिटेन में, अब भारत में कब? कौन सा किताब नया खरीद के? संविधान जब लागू हुआ तब मिला। सार्वभौमिक वैषम्यता अधिकार नहीं था ना, जिस महिला के पास शिक्षा और संपत्ति था वो मत, उनको मत देने का अधिकार था ना। यहाँ सार्व यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ कि सब महिलाओं को मताधिकार कब? तो 1950 में संविधान लागू होने पर। संविधान में ही तो पहली बार सार्वभौमिक आया तो था पीटीएम क्वेश्चन, इस बार वही तो पूछा था, लोग कंफ्यूजन कर रहे थे। अरे गलत था स्टेटमेंट, कहाँ से 1919 के अधिनियम में हो जाएगा ऐसा हो जाएगा? हाँ, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। हाँ, उस शिक्षा और संपत्ति के आधार पर महिला मताधिकार उस समय, सार्वभौमिक मताधिकार सब महिलाओं को मताधिकार 1950। ठीक है, ये हो गया। अब द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, अब द्वितीय चरण में समाजवाद वाला लिख देना है। वैसे जीवन में उतना ही होता है जितना लिखा रहता है, मैं देख चुका हूं, लेकिन व्यक्ति को परिश्रम तो करना ही पड़ता है। अब हम क्या बताएं? देखिए ऐसा है कि व्यक्ति को अपना जो है मेहनत करना चाहिए, अपना परिश्रम तो करना चाहिए। अब जो है सो है, ठीक है, कोई बात। अब जो है उसमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, अब उसमें बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वो विपिन कुमार मिश्रा, तो हमारे वो जो है देखा जाए तो रिलेशन में है, जो पीछे स्टाफ किए थे, तो विपिन जो है वो छोटे भाई की तरह हैं। आजकल लखनऊ में एडीएम है, तो विपिन का जो है पॉलिटिकल साइंस और फिलासफी सब्जेक्ट था, तो ऐसे हमारे दो फूफा जी हैं, तो एक फूफा जी के वो लड़के हैं। तो विपिन ऐसे जो है गांव में ही पढ़ाई किए, वो गांव में ही पढ़ाई किया है, तो गांव में पढ़ाई किया, लेकिन शुरू से ही बहुत उसका दिमाग एकदम शार्प। तो ऐसे मैं जब 1996 में जब MPPCS का नौकरी करने लगा तो हमारे पास आया, तो बोला भैया अब मैं जो है हमारा BA थर्ड ईयर है, तो BA हमारा हो जाएगा तो मैं जो है वह आप ही के पास रहूँगा। तो आप अकेले ही रहते हैं और आपके यहाँ खाना वाना बनाने का भी सुविधा है। तो मैं नायब तहसीलदार था उस समय मध्य प्रदेश में, तो बोला कि आपके यहाँ खाना वाना बनाने का है भी और आप हमको पढ़ा दीजिएगा, किताब कापी आपका है ही है। हमने रह जाओ यार, मेरा भी मन लगेगा, मैं भी अकेले क्या करूँ। तो उड़ाना शुरू किया, तो क्या करता था एक एक किताब लेकर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं जो है छोड़ दिया नौकरी, फिर मैं दिल्ली चला आया। तो दिल्ली चला आया, फिर मैं राजस्थान नौकरी करने चला गया। तब मॉडल टाउन में मैं रहता था, तो मैं रूम नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि मैं राजस्थान में नौकरी बहुत दिन कर नहीं पाऊंगा। रूम को रहने दिया, रेंट रोड देता था, वो अकेले रहता, चुपचाप पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद इलाहाबाद में जब मैं गया इलाहाबाद, फिर उसके बाद मैं देखा कि उसका लगन लग गया। देखिए करते करते धीरे धीरे PCS स्टाफ कर गया। और जो PCS स्टाफ कर जाता है व्यक्ति, तो वो 8 से 10 साल में IAS प्रमोशन उसका हो जाता है, ज्यादा ज्यादा। तो मेहनत क्या है, वो तो गांव में पढ़ने वाला व्यक्ति, कोई ऐसा तो नहीं कि शहर में वो पढ़ाई लिखाई किया है और उसको बस अंग्रेजी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, आज भी बोलता हूं IAS का परीक्षा दिया ही नहीं, PCS टॉप कर गया और IAS की परीक्षा दिया ही नहीं। उसको बोलता रह गया हमके एक बार दे दो, बोले भैया हमको अंग्रेजी आती नहीं और आप कह रहे हैं परीक्षा दे दो। मैं अंग्रेजी जब पास नहीं कर पाऊंगा तो मैं जबरदस्ती का दिमाग क्यों लगाऊं? हमने अंग्रेजी तुमको सिखा देता हूं। बोले नहीं हमको नहीं सीखना है, हमको बस यही नौकरी हमारी लग जाएगी, मेरा गंगा स्नान हो गया, मुझको नई बड़ी नौकरी चाहिए। तो PCS टॉप कर गया, तब भी मैं बोला हमको अब तो दे लो। बोला अब जा रहा हूं नौकरी करने की, चल रहा हूं परीक्षा देने। तो ऐसे भी लोग हैं, क्या करेंगे।
तो जो भाग में लिखा रहेगा वो टल थोड़ी ना सकता है। अब आप ही लोग मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस रख लिया, जैसे आप ही लोग पढ़ने, ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब भगवान का निमित्त है। एक रवि पढ़ता था, याद है जब आप लोग उस बिल्डिंग में थे, वो भी इंटरव्यू दे रहा है, उसका हिस्ट्री सबमिट था, हिस्ट्री से जो है 3 बार जो है मेंस लिखा, 2 बार मेंस लिखा, नहीं हुआ। अंत में इस बार क्या किया, कोरोना में 1 साल पहले आया, अब बोला हिस्ट्री छोड़ रहा हूँ और पॉलिटिकल साइंस लेके जा रहा हूँ। उसको समझाया हमको, तुम ये बताओ हिस्ट्री से एम ए किए हो, बोला अब मत रोकिए, मेरा 2-3 अटेम्प्ट बर्बाद हो चुका है, हिस्ट्री मेरा पूरा हुआ नहीं, मैं मुखर्जी की जितनी कोचिंग थी सब कर लिया हूँ, जितने लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं सब कर लिया, फिर भी मेरा हिस्ट्री पूरा नहीं हुआ, नंबर मुझे आता नहीं, क्योंकि पूरा पढ़ाई नहीं तो नंबर कैसे आएगा। जा रहा हूँ वीडियो लेके सर, पढ़ लूँगा और टेस्ट पेपर भेज दिया करूँगा। ठीक, 6 महीने में पॉलिटिकल साइंस तैयार करके दे दिया, देखिए इंटरव्यू भी दे रहा है। परसों फ़ोन किया था, बोला सर जानते हैं सब्जेक्ट में कभी नंबर नहीं मिलता था, 400 में 180 170, हमेशा 20-30 नंबर से रुकता था। तो देखिए जो संजोग है ना, वो तो भगवान संजोग बनाता है, इसलिए बोलता हूँ अपना परिश्रम करिए। द्वितीय चरण में वो लिख दीजिए कि इसमें सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों का विकास हुआ, और समानता को केंद्र बिंदु मानकर व्यक्ति की जगह समाज के परिप्रेक्ष्य में अधिकारों को मान्यता दिया गया। राज्य को अधिकारों का संरक्षक माना गया। मूलभूत आवश्यकता से संबंधित अधिकारों भोजन शिक्षा आवास आदि पर बल दिया गया। अब तृतीय पीढ़ी या तृतीय चरण, अब समझिए 1970 के बाद जो है विश्व में सामाजिक चेतना बढ़ने लगी, और ये माना गया कि भाई अब हम लोगों को सिर्फ व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, सिर्फ समाज के परिप्रेक्ष्य में अधिकार को नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति और समाज के संबंध को जोड़ने की बात की गई, जिससे जो है बेहतर जीवन हो सके, बेहतर व्यवस्था बन सके, जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके। जब इस तरह के मुद्दों को उठाया गया कि लोगों ने कहा कि आप व्यक्ति का अधिकार मत देखिए, समाज के परिप्रेक्ष्य मत देखिए, सामूहिक अधिकार के रूप में देखिए कि वास्तव में जो है वह क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्वच्छ पर्यावरण, व्यक्ति और समाज दोनों को जोड़ने की कड़ी है। अरे भाई हम कहते हैं सड़क पर गंदगी कर रहे हैं, उसी सड़क पर तो सब लोग चलते हैं। मान लीजिए सब करिए शांति का अधिकार, शांति होनी चाहिए। मान लीजिए सब करिए पर्यावरण का अधिकार, इन सब चीजों पर बल दिया गया, और ये कहा गया कि इन अधिकारों की जो प्रकृति है वो वैश्विक है, मतलब विश्व को इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसकी रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसीलिए जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, तमाम चीजों पर जो है वैश्विक सम्मेलन होने लगा।
तो तीसरी पीढ़ी के अधिकार हैं जिनका विकास 1970 के बाद हुआ है। लिख दीजिए 1970 के बाद विश्व में सामाजिक चेतना बढ़ने लगी। 1970 के बाद विश्व में सामाजिक चेतना बढ़ने लगी। व्यक्ति और समाज को जोड़ने का प्रयास प्रारंभ हुआ। व्यक्ति और समाज को जोड़ने का प्रयास प्रारंभ हुआ जिससे बेहतर जीवन हो सके। जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके। इसी कारण इन अधिकारों को सामूहिक अधिकार कहा जाता है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, शांति का अधिकार, इसे सामूहिक अधिकार कहा जाता है। स्वच्छ पर्यावरण, शांति का अधिकार, आदि को इसमें शामिल किया जाता है। और ऐसे अधिकारों की प्रकृति वैश्विक मानी जाती है। इसी कारण इसकी रक्षा के लिए वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन होता है। बस इतना ही लिखना है। अब 3 लाइन का मूल्यांकन लिख दीजिएगा। ऐसे बोल देता हूं, सुन लीजिए। इसमें क्यों लिख देना है कि भाई इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रमबद्ध तरीके से जो है मानव अधिकार का विकास हुआ है और भविष्य में जो परिस्थितियां बनेंगी उसी परिप्रेक्ष्य में अन्य अधिकार भी इसमें समाहित होते रहेंगे, क्योंकि मानव अधिकार आदर्शवादी है और ऐसी दशा में जो है यह परिस्थितिजन्य है जिसके कारण इसका स्वरूप निरंतर व्यापक होता रहेगा। बस इतना ही लिखना। लिखिए, मैं लिखवा लूं। इस प्रकार मानव अधिकार निरंतर विकसित होता रहा है। चूंकि इसकी प्रकृति आदर्शवादी एवं व्यापक है अतः भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप इसमें अधिकार जुड़ते रहेंगे। अब जो मुद्दे हैं, ये भी क्वेश्चन आया होगा आईएएस में, मानव अधिकार सार्वभौमिक है, सीमित है, असीमित है। यूपी में तो हेडिंग बस सीधा आता है, हेडिंग ही आता है यूपी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप पेपर किसी साल का ले लीजिए,
अभी पेपर मान लीजिए बेंस होगा, पेपर लेके कॉपी लेके मिला के हमको बता दीजिएगा, कुछ नहीं इधर उधर होता है। बस यह है कि यूपी के लिए आप लोगों को एक कॉपी और लेना पड़ेगा, एक कॉपी ले लीजिएगा और संप्रभुता और तमाम जो टॉपिक है और कुछ वीडियो बनता है, कभी कभी संडे को मैं आके बनाता हूँ, वो वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। जब यूपी का मैच देना होगा तो ले लीजिएगा, बेंथम रूसो सब, बिहार का भी वीडियो बन रहा है, कभी घर पे बना देता हूँ, कभी मन करता आ जाता हूँ। घर पर भी तो पूरा स्टूडियो कमरे बना ही रखा हूँ, वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ। अब जैसे चलिए, अब उसका क्या बोलते हैं जो मुद्दे हैं, मानव अधिकार सीमित है या असीमित, हेडी बनाइए, मानव अधिकार सीमित है या असीमित। मानव अधिकार सीमित है या असीमित, अब समझिए इसमें क्या करना है। अब इसे इसको बताओ तरीका, मानव अधिकार सीमित है या असीमित, ऐसे प्रश्न आया, आप क्या करिएगा कि मानव अधिकार का ये अर्थ ऐसी में प्रश्न को जोड़ दीजिएगा, ये बन गया भूमिका, प्रश्न को जोड़ना, ठीक, ये बन गया भूमिका। उसके बाद क्या करिएगा कि एक पैराग्राफ सीमित लिख दीजिएगा, एक पैराग्राफ असीमित के बारे में लिख दीजिएगा, और फिर इसके बाद इसका मूल्यांकन लिख दीजिएगा। अब हो गया आंसर, ऐसे लिखा जाता है, अर्थ लिख दीजिएगा दो तीन लाइन और उसी में प्रश्न को जोड़ दीजिएगा। अर्थ लिख कर जैसे मानव अधिकार जो है मानव होने की पूर्व स्वरूप शर्त स्वरूप है या आदर्शवादी है, इसकी प्रकृति वैश्विक है, एक दो लाइन लिखिए और उसी में प्रश्न को जोड़ दीजिएगा। लेकिन मानव अधिकार को जो है वो देखा जाए तो सीमित या असीमित को लेकर जो है विवाद उत्पन्न होता है, बन गया भूमिका, भूमिका लिख लेंगे ना, भूमिका वही अर्थ लिखना है, दो तीन लाइन जो मन में आए वही अर्थ लिख दीजिए और उसी में एक लाइन ये जोड़ दीजिएगा, जो ही प्रश्न जो लिखा होगा उसी को उसमें रख दीजिएगा, हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का काम है सीमित कैसे सीमित है और कैसे असीमित है, तो पहले असीमित लिखेंगे तब सीमित जल्दी समझ में आएगा। तीन लाइन जगह छोड़िए, घर पर लिख डालिएगा, दो लाइन अर्थ लिख दीजिएगा, एक लाइन जोड़ लीजिएगा, बस हो गया। अब इसको समझाता हूं, देखिए असीमित जो मानते हैं वो इसलिए मानते हैं कि भाई प्राकृतिक अधिकार का यह लौकिक स्वरूप है और ऐसी दशा में भले ईश्वर प्रदत्त नहीं है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, लेकिन प्राकृतिक अधिकार से प्रभावित तो है, तो ऐसी दशा में जो है ये माना जाता है कि जो मानव अधिकार है वो हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है। तो ऐसी दशा में यह जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है तो यह कैसे सीमित हो सकता है, इसका स्वरूप तो असीमित होगा क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए तमाम जो पहलू है वो सब समाहित है। भाई हम कहते जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति है, जितना भी चीज है सब हो सकता है, क्योंकि मानव होने की शर्त है। इसलिए हम कैसे बता सकते हैं कि जो है कौन सा शर्त आज है, कौन सा शर्त नहीं है, आने वाली पीढ़ी भी तो देखा जाए तो अपने हिसाब से निर्धारण करेगी, तो इसका उल्लंघन कैसे किया जा सकता है, इसका परिसीमन कैसे किया जा सकता है, इसमें हस्तक्षेप कैसे हो सकता है। आज जो आपको अच्छा लग रहा हो सकता है आपको लड़के को अच्छा लगेगा नहीं, भाई कुछ जरूरी है कि आप जो मकान बनवा दिए उसी वही मकान बच्चे को भी पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा,
इसे देखिए समझदार। अब मान लीजिए मैं 50 साल हो गया, मेरा एज 50 साल से ज़्यादा हो गया, 10-15 साल के बाद मान लीजिए, अब हमारा बच्चा बोलेगा हम तोड़ के ठीक करा दें, हमको कहीं होटल वोटल रख दो कायदे का ढंग की जगह, या हम चले जाते हैं मसूरी देहरादून 6 महीने के लिए आराम कर लेता हूँ, तुम तोड़ ताड़ के बना देना, एक हमारा कमरा समझ गया ना कैसे बनता कैसे मैं रहता हूँ, एक बना देना, बाकी तुम अपने हिसाब से बना लेना, अब मैं चला, ये पैसा रुपया कुछ पकड़ना हो तो ले लो आशीर्वाद, मैं चल रहा हूँ जा रहा हूँ, हो गया। जबरदस्ती का क्यों दिमाग लगाऊंगा, कौन सा खंभा टूटेगा क्या, जैसे मर्जी उसे करो यार, अब तुमको रहना है मुझको तो अब चलना है। तो मान लीजिए समझदारी ये है ना, अब मैं ये बोलूँ ये पत्थर मत हटाना, मैं मकराना से लेकर आया था, ये लकड़ी मत हटाना, मैं इसको हरदोई से लेकर आया था पेड़ कटवा कर, अरे जब मैं था तो पेड़ कटवा के लाया, जब मैं था तो गया मकराना लेके आया, अब तुमको जो तोड़ना ताड़ना जो लगाना लगाओ यार, समझदारी यही है ना। तो यहाँ पर असीमित का इसलिए अर्थ है क्योंकि हम उसमें क्यों व्यवधान उत्पन्न करें, क्यों हम उसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि कल के दिन क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता है, इसलिए हम उसमें टोका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए असीमित है। एक प्रकार लिखिए, अब छोटा सेडी बना लीजिए, असीमित क्यों, अभी तो समझ में आ रहा है ना, 6 महीने बाद नहीं याद आएगा ना, असीमित क्यों। कुछ विचारक मानव अधिकार को असीमित मानते हैं, कुछ विचारक मानव अधिकार को असीमित मानते हैं, कुछ विचारक मानव अधिकार को असीमित मानते हैं, क्योंकि ये विचारक मानव अधिकार को प्राकृतिक अधिकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं, प्राकृतिक अधिकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जिस तरह लाक ने प्राकृतिक अधिकार को व्यक्तित्व का अभिन्न अंग माना, उसी तरह यह विचारक मानव अधिकार को अनुलंघनीय अवलिक असीमित मानते हैं, अनुलंघनीय, अनुलंघनी को जब दोनों को मिलाएंगे तो अनुलंघनी हो जाएगा। हिंदी भी यूपी में पढ़ डालिए, हिंदी 150 नंबर का आता है ना, तो यूपी पीसीएस देना होगा तो 150 नंबर हिंदी में 135 भी आता है, 125 भी आता है, मेरे खुद ही 125 नंबर थे, उसमें विलोम पर्यायवाची प्रत्यय उपसर्ग ये सब कॉपी में नोट करके सिखा दूंगा, उसको रट डालिएगा, अंदाजा से नहीं लिखा जाता, अंदाजा से लिखे 100 नंबर मिलेगा, 150 में 100 ऊपर से नंबर बढ़िया सिलेक्शन तभी होगा, हर जगह कंपटीशन है। अनुलंघनी अवलिक असीमित मानते हैं और तर्क देते हैं कि जब मानव अधिकार मानव होने की शर्त स्वरूप है, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इसका परिसीमन नहीं हो सकता, और यह असीमित स्वरूप रखता है, पहले असीमित लिख रहे हैं ना, ठीक है बढ़िया, अब लिखिए सीमित कैसे है,
क्वेश्चन देख के पढ़िए, कोई आया जरूर होगा, मुद्दों से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप भी खरीदिए, 10 साल का, 10 साल का पेपर खरीदिए, उसमें देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। हर चीज का, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जीआरपी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, हर जगह देखना चाहिए, तभी वो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें जो है असीमित कैसे है, अब फिर जो है अब सीमित कैसे है, पढ़िए क्वेश्चन दो चार देखकर पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने ठीक है, इन्हीं को हम लोग दे रखे हैं, पढ़िए। तो वही जो अभी बताया था, हाँ वही देखिए, पूछा है ना, ये अभी जो मुद्दा बताया कि 3 लिखवाए थे, देखिए उसमें लिखा है सार्वभौमिक है, कौन सा कठिन प्रश्न पूछा है, तो उस तर्क ही तो दूंगा, अभी जब लिखवाऊंगा तो तर्क दूंगा, क्यों सार्वभौमिक है, क्यों सीमित है, क्यों असीमित है। और पढ़िए, मानव अधिकार, शासन के व्यवहार में परिवर्तन सुनिश्चित करता है, इसका मतलब ये हुआ महत्व, महत्व लिखना है, समीक्षा करिए तो समस्या भी लिख दीजिएगा। अब समझिए कि इसका जो है, जो बता रहा था असीमित हो गया, सीमित, सीमित समझिए। कुछ विचारक ये मानते हैं, पहले समझिए, कुछ विचारक मानते हैं कि मानव अधिकार सीमित है, उनका ये मानना है कि यदि सीमित नहीं करेंगे तो अधिकार आपस में ही टकरा जाएंगे, यदि सीमित नहीं मानेंगे तो अधिकार आपस में ही टकरा जाएंगे, अंतर्विरोध उत्पन्न करेंगे। अगर मान लीजिए इन लोगों ने तर्क दिया कि अगर जीवन का अधिकार और आत्मरक्षा का अधिकार दोनों को असीमित मान लिया जाए, एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, भाई आत्मरक्षा के अधिकार के नाम पर आप किसी को गोली मार दिए तो फिर जीवन का अधिकार उसका कहां रह गया, तो आप अपने जीवन आत्मरक्षा के लिए दूसरे का जीवन समाप्त कर दिए, इसका मतलब कि आपके आत्मरक्षा के अधिकार को सीमित करना जरूरी है। जिस तरह से अधिकार पर कर्तव्य की सीमाएं होती हैं, उसी तरह मानव अधिकार पर भी जो है कर्तव्य की सीमाएं होती हैं, असीमित मानने से कर्तव्य की उपेक्षा हो जाती है, असीमित मानने से कर्तव्य में अराजकता आ सकती है। जैसे जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार असीमित मान लिया जाए, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार असीमित मान लिया जाए तो समस्त दंड व्यवस्था मृत्युदंड की शक्ति पर ही प्रश्न लग जाएगा। तो कैसे हम मानव अधिकार को असीमित मान सकते हैं, यही तर्क लिखा जाता है। देखिए, कुछ विचारकों का मत है कि मानव अधिकार सीमित है, मानव अधिकार सीमित है, उनका मानना है कि, उनका मानना है कि अगर सीमित न किया जाए, उनका मानना है कि अगर सीमित न किया जाए तो अधिकार आपस में ही संघर्ष करेंगे, अधिकार आपस में ही संघर्ष आवलिक अंतर्विरोध पैदा करेंगे, संघर्ष आवलिक अंतर्विरोध पैदा करेंगे। जैसे जीवन का अधिकार और आत्मरक्षा, और आत्मरक्षा दोनों को असीमित मान लिया जाए, तो एक दूसरे से टकराएंगे,
जिस तरह अधिकार पर कर्तव्य की सीमा होती है, उसी तरह मानव अधिकार पर भी कर्तव्य की सीमाएं हैं। और असीमित मानने पर कर्तव्य की उपेक्षा होगी। जैसे जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार असीमित मान लिया जाए, असीमित मान लिया जाए तो समस्त दंड व्यवस्था आवलिक मृत्युदंड, आवलिक मृत्युदंड की शक्ति पर प्रश्न लग जाएगा। समस्त दंड व्यवस्था आवलिक मृत्युदंड की शक्ति पर प्रश्न लग जाएगा। अब जैसे समझिए, आखिर होना क्या चाहिए? होना दोनों चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वह कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिस पर ज्यादा जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति क्या खाना खा रहा है, क्या पहन रहा है, ज्यादा टोका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, उसका अपना व्यक्तिगत है ना। कोई व्यक्ति क्या खा रहा है, अमेरिका और जर्मनी के व्यक्तियों पर कभी खाने पर चर्चा हुआ, कभी पूजा पाठ पर चर्चा हुआ, भाई हमारा मर्जी, हम नहीं खाएंगे, हम पानी पी के रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, जैसे हमारा भी कभी मान लीजिए नहीं खाने का मन किया रात में, ठीक है हम दूध दूध पी के सो गए, लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं खा रहे, हम भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं खा रहा हूं। तो मान लीजिए वो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमारी इच्छा नहीं, वो हम नहीं खाए। हम कितने बार खाना लेके आते, हमारे नहीं मन करता, जो मन करता चावल तो चावल ही खा के रख देता हूं, लेकिन हाँ रास्ते में टिफिन साफ करके कहीं पर खाना गायों को डाल के तब जाता हूं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम टिफिन में खाना साफ करके नहीं गए तो दूसरे दिन फिर टिफिन नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद वो लोग बोलेंगे अब तो खाना खाते नहीं तो चावल ही देते हैं, तो अपना आदत क्यों खराब करवाएं। तो मान लीजिए, तो यहां पर ये अधिकार सीमित भी है और असीमित भी है। क्यों? कुछ मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जो है खाने पीने में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे अधिकार जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य रखते हैं वहां पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। यही चालन मूल्यांकन लिखा जाएगा। लिखिए, मानव अधिकार वस्तुतः दोनों स्वरूप में है। मानव अधिकार वस्तुतः दोनों स्वरूप में है, यह सीमित भी है और असीमित भी, यह सीमित भी है और असीमित भी। सीमित भी है और असीमित भी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवलिक अधिकारों में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवलिक अधिकारों देश खाना पहनना सोना आदि में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सार्वजनिक पहलुओं से
संबंध रखने वाले अधिकारों में हस्तक्षेप उचित है? सार्वजनिक पहलुओं से संबंध रखने वाले अधिकारों में हस्तक्षेप उचित है? हस्तक्षेप उचित है? बस ठीक है, इतना ही लिखा जाएगा। अब दूसरा चलिए, मानव अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक, जो प्रश्न आया था उस पर चर्चा किया जाए। तो वही भूमिका जो अभी बताया हूं, भूमिका बनेगा, प्रश्न को जुड़ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है यहां सार्वभौमिक के बारे में चार लाइन, तर्क देना है, फिर सापेक्षिक के बारे में, और फिर इसका मूल्यांकन लिखा जाएगा। बस ये तरीका है। कुछ तर्क लिखा जाएगा उसमें, पहले सेंस के क्यों लिखा जाएगा, फिर मूल्यांकन लिखा जाएगा। अब भूमिका तो आप लोग लिख लेंगे, तीन लाइन, उसकी कोई बात नहीं। सार्वभौमिक कैसे है, अब इस पर चर्चा करें। सार्वभौमिक कैसे है, ऐसे इलाहाबाद में मैं जब पढ़ाने गया, यही वाला टॉपिक था मानव अधिकार, तो ऐसे वो जो सर थे तो हमसे बोले कि जो है त्रिपाठी जी इसको पढ़ा दीजिए। तो हम बोले कि मैं पढ़ाने वढ़ाने के मूल रूप से तो था नहीं, अपने मानव अधिकार बनो, चलिए संडे को पढ़ा दूंगा, संडे को मैं खाली रहूंगा, इस बार हमको जाना भी नहीं है घर। मैं गया पढ़ाया ऐसे ही, फिर वो हमारा कापी लेके देखे, यूनिवर्सिटी में थे, कापी लेके देखे, बोले हम लोग तो कभी सोचे नहीं कि ऐसे भी पढ़ाना है, हम लोग तो यूएन चार्टर वाला जो है उसको लिखवाते थे, समीक्षा करवा देते थे। तो हम बोले कि एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है, जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग को जो टीचर पढ़ाए वो भी तो ऐसे ही पढ़ाए, वो भी तो ऐसे सिखाए कि मानव अधिकार का मतलब 1 से 30 अनुच्छेद नोट कराना नहीं। अभी भी जीएस में सब नोट ही करा देते हैं, ये लिख लीजिए मानव अधिकार, आएगा तो ये लिख के चले आइए। अब पूछ रहा है महत्व, लिख के 1 से 30 अनुच्छेद आएंगे, नंबर देगा आपको। ये सबसे बड़ी समस्या जो पूछ, अब ये पूछा मानव अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक। अब मान लीजिए सार्वभौमिक है पूछा है, तो आपका फर्ज है कि पहले सार्वभौमिक का तर्क लिखिए, और फिर पैरा चेंज करके सापेक्षिक लिखिए, और फिर महत्व उसका मूल्यांकन करिए। अब सार्वभौमिक मानने का मतलब क्या है, कुछ विचारक कहते हैं कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है और विश्व में नस्ल रंग जाति क्षेत्र भाषा का भेदभाव किए बिना सबको उपलब्ध होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर स्वरूप में प्राप्त होना चाहिए। तो लोग तर्क देते हैं कि मानव अधिकार है क्या, मानव अधिकार मानव होने की पूर्व शर्त है। जब मानव होने की पूर्व शर्त है, मानव कहलाने की पूर्व शर्त है, बिना इसके मानव कहला ही नहीं सकते हैं, बिना इसके हम जैविक प्राणी कहलाने के हकदार होंगे। तो चाहे अफ्रीका का व्यक्ति हो, चाहे लैटिन अमेरिका का हो, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, सबको उपलब्ध होना चाहिए। और कहीं ना कहीं विश्व में जो है जो अमीर देश है उनको गरीब देशों की सहायता करना चाहिए। कोई व्यक्ति 4 दिन से मान लीजिए भूखा है, कोई व्यक्ति सपोज करिए कि ऐसे स्थिति मान लीजिए कोरोना में चोरी इधर उधर सब बढ़ गया ना, क्यों बढ़ गया,
लोगों को रोजगार मिला नहीं, लोगों को कुछ हुआ नहीं, तब लोग यही सब काम करना शुरू कर दिए। मान लीजिए यही सब काम करना शुरू कर दिए, तो उसमें गलती तो उस व्यक्ति की है ही है, उसमें उस व्यक्ति की तो गलती है, हम लोगों की भी गलती है कि हम लोगों ने उस व्यक्ति को परिस्थिति मुहैया नहीं कराया जिसके कारण वो व्यक्ति चोरी करने लगा, अच्छा खासा व्यक्ति भी जो है वो चोरी करने लगा। तो ये मानव अधिकार जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से सबको समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि जब मानव होने की शर्त है, मानव कहलाने के हकदार हम तभी होंगे जब हमको ये सब अधिकार मिलेगा। इसकी प्रकृति जो है सार्वभौमिक होनी चाहिए। लिखिए, उदारवादी विचारकों के अनुसार हेडिंग बना लीजिएगा, सार्वभौमिक कैसे। उदारवादी विचारकों के अनुसार मानव अधिकार सार्वभौमिक है, मानव अधिकार सार्वभौमिक है, और विश्व में रंग, नस्ल, धर्म, विश्व में रंग, नस्ल, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना, आदि का भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। अब यहीं पर तर्क जोड़िए, क्योंकि मानव अधिकार मानव होने की शर्त स्वरूप है, बिना इसके मानवीय जीवन संभव नहीं हो सकता। यह व्यक्तित्व विकास से जुड़ी अवधारणा है। व्यक्तित्व विकास से जुड़ी अवधारणा है। जिस तरह से शरीर से चमड़ा जुड़ा है, उसी तरह मानव अधिकार भी है। अतः विश्व के सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। और समृद्ध देशों द्वारा गरीब देशों की सहायता करनी चाहिए। समृद्ध देशों द्वारा गरीब देशों की सहायता करनी चाहिए। बस हो गया, यही लिखना था। 150 शब्द आया होगा, अब पैरा चेंज के किस अपेक्षिक लिखना है उसमें, तो 200 में आएगा तो बताता हूं उसका तरीका क्या है। तब यहां पहले भूमिका जो लिखेंगे मानव अधिकार को, जैसे मान लीजिए आपने अभी 4-5 लाइन लिखवाया, 70-80 शब्द तो मैं लिखवाई दिया हूं, 60-70 ना बताता हूं उसमें क्या तरीका है। उसमें तरीका यह कि अर्थ आपने लिखा, उसका स्वरूप लिखा 4-5 लाइन, ये हुआ। इसके बाद सार्वभौमिक कैसे है, तो अभी मैं 60-70 शब्द लिखवाया हूं। अब 60-70 शब्द सापेक्षिक लिखेंगे, उसका उल्टा भी तो लिखना पड़ेगा कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है कैसे, तर्क दीजिए। तो आपने 3-4 तर्क तो मैं कामा बना बना के लिखवा दिया। अब इसी को पॉइंट में भी आप लिख सकते थे। ये समझ लीजिए मैंने क्या किया कि 150 शब्द में लिखवाया ना, कि जैसे 3 तर्क हमने लिखवाया है, देखिए उसमें कामा करके 3 तर्क मैं जोड़ा हूं। पहला तर्क तो जैसे उसमें जोड़ा था, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि यह मानव होने की शर्त है। फिर मैं दूसरा तर्क उसमें कुछ और जोड़ा हूं, देखिए उसी के आगे कुछ व्यक्तित्व विकास से जुड़ी अवधारणा है। ऐसे जो कामा करके मैंने छोटा कर दिया, उसको पॉइंट में फिर लिखना पड़ेगा। मैं तो 150 शब्द के हिसाब से लिखवा दिया ना, उसी को अब बढ़ा बढ़ा के पॉइंट में लिखते।
अब सापेक्षिक कैसे है? अब देखिए और बताएं इसका तर्क, जो महत्व लिखवाया हूं ना वहां से भी तीन तर्क आ सकता है। देखिए कैसे बताता हूं, समझा दूं थोड़ा सा। महत्व वाला तर्क कैसे लिखेंगे ये बताइए। उदारवादी विचारक मानते हैं कि सार्वभौमिक है, तो आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीयतावाद की आवश्यकता है, विश्व में शांति की आवश्यकता है, और शांति तभी आ सकता है जब मानव अधिकार को सार्वभौमिक स्वरूप दिया जाए। तर्क हुआ ना, जो महत्व है उस महत्व से भी तर्क इसका लिखा जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं विश्व में शांति की आवश्यकता है, विश्व में जो है शांतिपूर्ण सौहार्द की आवश्यकता है। तो यह शांति और शांतिपूर्ण सौहार्द कब आएगा? जब मानव अधिकार को सार्वभौमिक मान लिया जाए, सार्वभौमिक मान लिया जाए। विश्व में समान व्यवस्था कब आएगा? विश्व में समानता कब आएगा? जब मानव अधिकार को सभी देश आदर्श स्वरूप में स्वीकार करके अपने संविधान में उसके अनुरूप जो है मूल अधिकार को बढ़ावा देंगे, तभी विश्व में समान व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और तभी विश्व में जो है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ और साउथ के मध्य भेद है, जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, इस तरह की विषमता में कमी हो सकता है, वहां से भी तर्क आ जाएगा। हाँ बोली बोली कुछ पूछ रही थी। हाँ सार्वभौमिक हो सकती है कि क्या? ना बता रहा हूं, बहुत अच्छा प्रश्न। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये लिखना है, सार्वभौमिक हो सकती है क्या? तो आपने सार्वभौमिक कैसे है ये तो बता दिया, अब फिर पैरा चेंज करके सापेक्षिक भी लिखना पड़ेगा, अब फिर वास्तविक मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो मैं लिखा हूं वही वाला क्वेश्चन है ये। हम ये समझे कि सार्वभौमिक कैसे हो सकती है, तर्क दीजिए, तब मैं अपना तर्क देना शुरू कर दिया। ये तो यही लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं, सेम। सार्वभौमिक हो सकती है क्या? तो हो सकती है क्या, तो सार्वभौमिक कैसे है, फिर सापेक्षिक, फिर मूल्यांकन। सापेक्षिक कैसे है, चलिए। अब बहुसंस्कृतिवाद आप लोगों को पढ़ाया था, तो बहुसंस्कृतिवादी जो विचारक, समुदायवादी जो विचारक है, वो लोग इसका समर्थन करते हैं। कहते हैं कैसा है कि समुदाय और क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, एक ही अधिकार सभी क्षेत्रों में लागू करना अनुचित है। वस्तुतः अधिकार सांस्कृतिक विविधता से प्रभावित होता है। जिस तरह से महिलाओं के विशेष स्थिति के कारण महिलाओं को विशेष अधिकार दिया जाता है, मान लीजिए हम कहते हैं महिलाओं को जो है वो देखा जाए तो मैटरनिटी लीव दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 6 महीने का जो है महिलाओं को हमें कहते हैं, नहीं 15 दिन का है ना, वो तो पेटेंटी लीव कहा जाता है। तो महिलाओं को मान लीजिए 6 महीने का उनको लीव मिला, अब पुरुष व्यक्ति कहे कि नहीं हमको भी जो है वो देखा जाए 6 महीने का दे दीजिए, क्योंकि महिला और पुरुष में आप कह रहे थे भेद हम नहीं करेंगे, तो ये बताइए ये तर्कसंगत नहीं है ना। तो यहां पर देखा जाए तो जिस तरह से महिला और पुरुष के अलग अलग अधिकार होते हैं, जिस तरह से समाज में जो है वह तमाम समुदाय के लोग हैं उनकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग अधिकार होते हैं, उसी तरह से जो है मानव अधिकार का स्वरूप भी सार्वभौमिक नहीं हो सकता है, सापेक्षिक होना चाहिए। लिखिए बहुसंस्कृतिवाद आबलिक समुदायवादी विचारक इसका समर्थन करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद आबलिक समुदायवादी विचारक इसका समर्थन करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक समुदाय आबलिक क्षेत्र की, प्रत्येक समुदाय आबलिक क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, प्रत्येक समुदाय आबलिक क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, विशिष्ट जीवन शैली होती है, सामुदायिक पहचान की लालसा होती है, सामुदायिक पहचान की लालसा होती है,
ऐसी परिस्थिति में मानव अधिकार सभी क्षेत्रों में एक समान लागू नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में मानव अधिकार सभी क्षेत्रों में एक समान लागू नहीं हो सकता, एक समान लागू नहीं हो सकता। जैसे स्त्री के विशेष स्थिति के कारण उसे विशेष अधिकार दिया जाता है, जैसे स्त्री के विशेष स्थिति के कारण उसे विशेष अधिकार दिया जाता है, जो पुरुषों को देना तर्कसंगत नहीं है, जो पुरुषों को देना तर्कसंगत नहीं है। उसी तरह मानव अधिकार सापेक्षिक अवधारणा है, बस ये लिखा गया। अब मूल्यांकन सुनिए, देखिए मानव अधिकार न तो पूर्णतः सार्वभौमिक है न तो पूर्णतः सापेक्षिक है। कुछ मानव अधिकार सार्वभौमिक है, जैसे शिक्षा है, पेयजल है, आवास है, वो सबको उपलब्ध होना चाहिए। और दूसरी तरफ मानव अधिकार सापेक्षिक है, क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर उनको जो है अलग से मान्यता देने का व्यवस्था होना चाहिए, जैसे भारत में आरक्षण की व्यवस्था। तो मानव अधिकार का स्वरूप जो है कुछ मामलों में सार्वभौमिक भी है और कुछ मामलों में सापेक्षिक भी है। ये आंसर होगा, यही लिखना था उसमें। लिखिए मूल्यांकन। इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्वभौमिक और सापेक्षिक में विवाद है, सार्वभौमिक और सापेक्षिक होने में विवाद है। वस्तुतः कुछ मानव अधिकार ब्रैकेट में शिक्षा, पेयजल, आवास, अभी तो सबको चाहिए ना, इतना क्या फिर क्या अगले पानी नहीं पिएंगे। शिक्षा, पेयजल, आवास, ब्रैकेट बंद, कुछ अधिकार, कुछ मानव अधिकार सार्वभौमिक है, लेकिन दूसरी ओर सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर भी, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर भी अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता है, अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर भी अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता है। जैसे जनजाति लोगों को विशेष अधिकार दिया जाना, क्लियर। अब तीसरा वाला मुद्दा, मानव अधिकार के नाम पर हस्तक्षेप उचित है या अनुचित। मानव अधिकार के नाम पर हस्तक्षेप उचित है या उचित है या अनुचित। अब इसको भी कैसे लिखाएगा भाई भूमिका, ये सब अपने मन से आप लोग तैयार करते, इसलिए लिखवा रहा हूं, क्यों दिमाग लगाएंगे। लिखवा दूंगा कॉपी में, वही 2000 पेज, चुपचाप पढ़ के जाके लिख के चले आना है।
वही पॉलिटिकल साइंस है, बस हो गए। कोई किताब था कुछ नहीं, कुछ नहीं खरीदने की जरूरत। इसी में तो समय लग रहा है कि हम लोग बताते हैं नेट से पढ़ लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, वो किताब खरीद लीजिए, कर लीजिए। अरे इतना चीज पढ़ना है, बच्चा लोग इतना नेट से किताब से इधर उधर पढ़ लेगा, तभी तो 5 साल लग जा रहा है। ये बताइए, हिस्ट्री वाले सर हैं, चुपचाप पीटी जहां में जहां जहां से हिस्ट्री आता चुपचाप लिखवा देते 500 पेज, ये पकड़िए 500 पेज, जाइए 20 क्वेश्चन आएगा तो 15 क्वेश्चन आ जाएगा। जहाँ फी वाले सर लिखवा देते, हो गया ये पकड़िए, चलिए 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जाइए। पीटी फेल होता कोई? अब बच्चा क्या है, 10 किताब पढ़ रहा है, समझ में तो उसको आ नहीं रहा है। वो तो बच्चा अपने मन से ही जो है अंडरलाइन बेचारा करता रहता है, लाल कभी पीला कभी हरा कभी नीला, पता तो उसको है नहीं कौन सा लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें समय तो लगेगा ही, 2-4 साल। भूमिका हो गया, अब यहां पर वही बनाइए, उचित और अनुचित, उचित और फिर अनुचित और फिर मूल्यांकन। आई आप पहले उचित समझिए, मानव अधिकार के कुछ जो समर्थक हैं वो लोग मानते हैं कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है। अभी जो बताया, प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, विश्व में सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए। जब ऐसा मानेंगे तो विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए, विश्व में मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है। अब अफगानिस्तान में मान लीजिए महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है तो विश्व समुदाय आलोचना कर रहा है, तो उचित है ना? तो मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले देश को निर्देश दिया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस पर दबाव बनाया जा सकता है। इसी आधार पर अमेरिका जैसा देश जो है दूसरे देशों में हस्तक्षेप करते हैं। क्या महिला शिक्षा को क्यों नहीं बढ़ावा देंगे भाई? आपका फंड नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान में यही तो हो रहा है, अफगानिस्तान में यही तो हो रहा है कि भाई महिला शिक्षा आप क्यों नहीं, महिलाओं को शिक्षा देना चाहते हैं? चाहिए अपनी व्यवस्था बनाइए, हम लोग फंड नहीं देंगे आपको। अब धीरे धीरे वहां पर तालिबान भी स्वीकार करना शुरू कर दिया ना कि नहीं महिलाओं को हम शिक्षा देंगे, बस हम स्कूल कॉलेज खोलने वाले हैं, थोड़ा सा सफाई फेक करवा दें। अभी स्टेटमेंट 2-3 दिन पहले का स्टेटमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को अब पता चल गया कि फंड नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए भाई चलिए, जब महिलाओं को शिक्षा देने से ही पैसा आ रहा है, जाओ भैया पढ़ो। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ऐसी दशा में हस्तक्षेप तो उचित है। लिखिए, मानव अधिकार के कुछ समर्थक मानते हैं कि मानव अधिकार, भूमिका का जगह छोड़ दीजिएगा, देखूंगा लिखें कि नहीं क्या लिखे थे। मानव अधिकार के कुछ समर्थक मानते हैं कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है और प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते उपलब्ध है, अतः अगर विश्व के किसी भाग में इसका उल्लंघन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय गरिमा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले देश को देश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है
जैसे अफगानिस्तान में महिला शिक्षा न देने के कारण प्रतिबंध लगाया गया है, अब अनुचित समझिए। पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी और थिंकर, यही दो चीज कठिन है, यही तो दो चीज कठिन है। तो थ्योरी तो समझ आ रहा है ना, बस बढ़िया से अपना समझना है, घबराने की जरूरत नहीं है। थ्योरी से कठिन कुछ नहीं हो सकता, जितना हम लोग आसानी से समझ लें उतना आसानी है नहीं मामला। वो तो हम लोग परीक्षा देते देते फेल पास होते होते उसको सेट कर लिए कि नहीं ऐसे पढ़ना है, नहीं तो इतना जटिल पढ़ा दिया था कि ये नहीं पता चलता कि मानव अधिकार है क्या, ये तो बता देते हमको कम से कम। दो घंटा बोल चुके, यही नहीं पता चला कि मानव अधिकार है क्या चीज। दो घंटा गुजर गया, यही नहीं पता चला कि सीता का विवाह किससे हुआ था, पूरा रामायण खत्म। तो वो थ्योरी है। तो ये जो अनुचित लोग मानते हैं, ये लोग कहते हैं कि वर्तमान विश्व की जो व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसमें सभी देश संप्रभु हैं। तो जब सभी देश संप्रभु हैं, सभी अपना निर्णय ले सकते हैं, तो मानवतावादी हस्तक्षेप राष्ट्र की संप्रभुता पर आघात है, राष्ट्र राज्य प्रणाली के विपरीत है, देश की आजादी पर प्रतिबंध लगाता है। प्रत्येक देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर देश समान अस्तित्व रखता है, हर देश जो है संप्रभु देश के रूप में है। और ऐसी दशा में जो है वो देखा जाए तो अपनी नीतियों को निर्धारित करने के उसका अधिकार है, कानून बनाने का उसको अधिकार है। और इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो हस्तक्षेप किया जाता है उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप किया जाता है। हस्तक्षेप करने का अभिप्राय जो है सकारात्मक नहीं होता है, हस्तक्षेप करने का उद्देश्य जो है वो देखा जाए तो बड़े देशों की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है, इसलिए हस्तक्षेप जो है वो उचित नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इसके समर्थक मानते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, सभी देश संप्रभु हैं, मानवतावादी हस्तक्षेप राष्ट्र की संप्रभुता पर आघात है, राष्ट्र राज्य प्रणाली के विपरीत है, राष्ट्र राज्य प्रणाली के विपरीत है, क्योंकि प्रत्येक देश चाहे छोटा हो या बड़ा समान अस्तित्व रखता है, अपनी नीतियों अपनी कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, और वास्तव में हस्तक्षेप सकारात्मक नहीं होता बल्कि हस्तक्षेप का उद्देश्य बड़े देशों के राष्ट्रीय स्वार्थ को पूरा करना होता है,
यही मूल्यांकन भी वही चलता है जो अभी लिखवाया हूँ कि न तो हस्तक्षेप पूर्णता अनुचित है अन्य तो उचित है। अब वही तर्क चलेगा कि विश्व में जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए कोई देश तानाशाही कर रहा है, अपने नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है, उसकी हत्या करवा रहा है, तब तो विश्व समुदाय को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप करना चाहिए लेकिन किसी देश को नहीं, यूएनओ के माध्यम से हस्तक्षेप होना चाहिए। यूएनओ के पास ये शक्ति है कि वह हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन हाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि कोई जो है घरेलू सरकार अत्याचार कर रही है तो ऐसे सामने अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य मामलों के संदर्भ में देश की संप्रभुता का ध्यान रखा जाए और उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।